गाइस गुड मॉर्निंग, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आप देख रहे हो मोटर किंग ब्लॉग्स। तो अपने गाड़ी का आज चल रहा है चद्दर डालने का काम, तो भाई भाई को थोड़ी मदद कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि काफ़ी भारी होती है ना चद्दर। देख सकते ये वाली जो प्लेट है ना, चक्कर प्लेट, इसको हमने गाड़ी में डालना है। तो लगभग अपना गाड़ी का कंटेनर साइड से बन चुका है, तो इसमें बहुत सारा अभी काम बाकी है। इसमें मिग वेल्डिंग वगैरह होगी। तो ये दोस्त भाई लोग बोल रहे हैं भाई सपोर्ट करो भाई को, चैनल को। तो चलिए भाई को थोड़ा मदद करते हैं, क्योंकि काफ़ी भारी है। उठा के कर रहे हैं पलटी। तो चलिए इसको भी उठा दे। दो प्लेट तो अंदर गई है और दो बची है। अपनी गाड़ी की चद्दर अंदर इसको डालेंगे अंदर, फिर इसकी वेल्डिंग वगैरह होगी। नीचे से इसकी रकाबे लगा दी है और रकाबे इसने अच्छा बिल्डिंग मार के फुल टाइट कर दिए गए। लग जाएगा आराम से। तो गाइस आपको थोड़ी आइडिया होगी, तो मुझे भी इतनी आइडिया है नहीं ये चद्दर कितने गेज की है, थोड़ा एक्सपीरियंस से बता देना। तो भाई जी अपने चद्दर जो है साइड में डाल दी है, कोने में बैठ नहीं रही है, उसको अच्छे से कोने में बिठा रहे हैं उनको। चद्दर डालने के बाद ऊपर की छत लग जाएगी आज ही। भाई देखो कैसे मूछों को ताव दे रहा है। ये भी आ जाएगा है, ये भी आ जाएगा। देखो बंदे को काम करते करते किसी चोट लगी हुई, काम काफ़ी हेवी है ये। कोई बंदा मतलब हर कोई बंदा नहीं कर सकता, एक्सप्रेस वाला बंदा ही कर सकता है। इंडिया ये बोल रहा है नहीं भाई, सच में ये काम बहुत हार्ड है, लोहे वाला काम है। हाथ में छोटे लगनी है, मतलब इनके लिए आम बात है भाई, पर देखा उसकी मतलब वहाँ से खून आ रहा है, फिर भी वो काम कर रहा है। हार्ड काम है भाई, कोई काम मतलब काम आसान नहीं होता है, हर काम मुश्किल, मतलब मेहनत करेंगे तभी मिलता है। तो चलिए एक चद्दर रह गई नीचे, इसको भी डालेंगे ऊपर और फिर भाई अच्छे से अंदर के साइड में बिल्डिंग हो रही है। तो हम आ चुके हैं ऑफिस में, तो बस मैं ऑफिस में ही रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना रूम है ड्राइवर के लिए बनी हुई, पर उसमें ना बहुत बंदे, क्योंकि इनके पास बहुत गाड़ियाँ लगी हुई है, कम से कम 10-12 बंदे वो रूम में हैं। तो मैं वहाँ पे मतलब गया था यार, पर वहाँ पे जगह ही नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं ऑफिस में रह लूँगा, कोई चक्कर है नहीं। यहाँ पे देख सकते हो एकदम चकाचक ऑफिस है, इसमें एसी है, कोई अपनी मर्जी है, मतलब लगाओ बिंदा सो जाओ, कोई चक्कर नहीं है। तो अपना सामान हमने रखा है यहाँ पर, तो चलिए सामान वगैरह लेके जाते हैं, कपड़े वगैरह लेके जाते हैं, क्योंकि मुझे नहाना है अभी, नहाने का टाइम हो चुका है, अभी 11 बज चुके। तो चलिए आते हैं नहा के, फिर मिलते हैं आपको। फाइनली गाइस हम नहा धो के फ्रेश हो चुके, तो अपने गाड़ी का चल रहा है पीछे काम, देख सकते हो आप। जैसे कि हमने दिखाया था आपको, अपनी टंकी ऊपर ले ली है हमने, और आगे का शो का भी काम लगभग स्टार्ट हो ही चुका है। देख सकते हो आगे की पायदानी बन चुका है और कंटेनर में पीछे फर्श डाल दिया हमने, और यहाँ पर महाराष्ट्र की गाड़ी लगभग रेडी हो चुकी है। आज शाम तक ये गाड़ी निकल जाएगी यहाँ से। ये महाराष्ट्र की नासिक की गाड़ी है, जैसे आपको दिखाया था मैंने पिछले ब्लॉग में। तो भाई की गाड़ी में टेपिंग का काम स्टार्ट है, तो भाई नए नए बंदे बहुत एक्साइट होते हैं, उनकी बात नहीं, मैं खुद एक्साइट होता हूँ नई गाड़ी का, मतलब एक्सपीरियंस ऐसे लगता है कब रोड पे चलेगी और कब मैं इसको चलाऊँगा।
तो भाई का गाड़ी की टेपिंग स्टार्ट है, ओरिजिनल वाली टेपिंग करने 3M और जापानी टेपिंग करवाना है इसमें। देख सकते हो भाई लगा रहे, नहीं अच्छा नहीं लग रहा हो मतलब, हाँ वो ऐसे ही स्टील जच रहा है वो, जो चमक पॉलिश कर देना वो चीज़ों का। तो अंदर इलेक्ट्रिशियन का काम स्टार्ट है भाई, बड़े एक्साइट है, उनका ऐसा मन है कि अब कब ये रोड पे चलेगी और कब मैं इसको दौड़ाऊंगा 100 की स्पीड में। सच बता ना, हो नहीं रहा है, एक्साइट नहीं हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। इधर आज महीना हो गया, इधर खज्जल हो रहे हैं फिर। चलो 2-3 दिन में भाई भी निकल जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, स्क्रीन वगैरह लगने बाकी है, टेपिंग का काम स्टार्ट है, 2-3 दिन में भाई निकल जाएंगे यहाँ से। तो भाई फिर चलेंगे अगरतला एक्सप्रेस, गुवाहाटी अगरतला चलेंगे बिल्कुल। तो ये हमारे महाराष्ट्र के बंदे, ये बिल्कुल यहाँ पर लेबर बन चुके हैं, खुद मिस्त्री बन चुके हैं, 3 दिन हो गए। उधर हान आ गया अपना प्रेशर, हमारा गैरेज शुरू होने वाला है सरहंद में, यही हमारा महाराष्ट्र वाले बंदे यहाँ पर गैरेज डालने वाले। तो गाइस अपने भाई की गाड़ी में आ चुका है रूट्स का ओरिजिनल हॉर्न, जो हमने अपने लेलैंड गाड़ी में लगा हुआ है, जैसे रूट्स का ओरिजिनल हॉर्न है ये लग जाएगा, और हमने भी एक हॉर्न देख के रखा हुआ है अपनी गाड़ी में लगाने के लिए, हमने भी एक हॉर्न देख के रखा हुआ है, पर वो जो है आपको मैं सीधा दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने उसको वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती है, मैंने बाहर से मंगवाया उसको, भाई लेके आए थे, मैंने भाई से ली थी, और वो हॉर्न मैं आपको दिखाऊंगा, वो अभी बॉक्स में पड़ा हुआ है, वो रूट्स का नहीं है, कुछ अलग ही हॉर्न है, उसकी आवाज़ मैं आपको दिखाऊँगा। गाइस अपने गाड़ी का काम स्टार्ट है, खाना वगैरह खा के बंदे आ चुके, देख सकते हमने ट्यूब लैंप लग चुके नीचे, चल रहा है अब चद्दर को वेल्ड, और अपने कैबिन का भी काम स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो आप। जाल बांधने का काम स्टार्ट होने वाला है अभी, देख सकते हो यहाँ पर लोहे आकर चुका है, तो कंटेनर का काम लगभग पूरा होने को आया, कल अपना कंटेनर का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर लोहो जो है तो लाके लग गया इन्होंने, क्योंकि इस पर बनेगा जाल लोहे का, और फिर इस पर लगेगी लकड़। फाइनली गाइस उठा रहे अपनी गाड़ी की इस छत, इसको ऊपर की साइड में डालेंगे, बंदे बड़ी जोर लगा के। तो फाइनली चला गया ऊपर, तो हम इसको जोड़ जो है ना उसके ऊपर की साइड में करेंगे, और हर जोड़ पे एक नीचे से सपोर्ट वाला पाइप लगाएंगे, कि इसमें जब हम छत पे चढ़ते हैं ना तो खतरा मतलब वैसे बेंड नहीं होना नहीं चाहिए, तो इसलिए हम नीचे से उसको पाइप की थोड़ी लर लगा मतलब पाइप पे लगाएंगे सपोर्ट के लिए। अपने गाड़ी का हो रहा है यहाँ पर जाल का काम, देख सकते हो यहाँ पे लग रहे जाल, और हमने सीट बेल्ट भी खोल दी है, इस सीट बेल्ट को हम रख देते हैं अंदर बॉक्स में, क्योंकि हमें बाद में इसको लगवानी है, और अपनी गाड़ी की सीट पड़ी यहाँ पर, इस सीट तो हम चेंज कर देंगे, कार की सीट बिठाएंगे तो, पर इसका नीचे वाला ब्रैकेट ये लगेगा हमें। आ चुके भाई का कंटेनर यहाँ पे बन रहा है दोस्त की, और देख सकते हो ये 24 फीट का कंटेनर है 6 टायरी, और आगे भाई का ये अशोक लेलैंड की ट्रक है वही 32 फीट है, देख सकते हो ये गाड़ी का पेंट वगैरह कैसे हुआ है, बढ़िया पेंट हुआ है, देखते हैं गाड़ी जाल वगैरह एकदम बढ़िया बना हुआ है इसके। पीछे से कुछ ऐसी लुक है वो गाड़ी की,
सामने से दिखा दो आपको, सामने से बिल्कुल टाटा की गाड़ी है ये 1921। ऐसे कुछ लुक बनी है गाड़ी की, देखते हो गाइस भाई की गाड़ी यहाँ पर बने हुए। ये लेलन की गाड़ी, वो है 6 टायरी 1921 24 फिट। तो और दो गाड़ियाँ उनकी साइड में लगी हुई है, दोनों टाटा की है 10 टायरी मल्टी एक्सल। देख सकते हो गाड़ी का लुक, शिवाट बॉडी फिल्टर उनके पास बन रही है गाड़ियाँ। चलिए निकलते हम यहाँ से। अब देख सकते हो यहाँ पे बन रही है कंटेनर, ये अपना दोस्त की नहीं है पर ये भी नालागढ़ हिमाचल की गाड़ी है। तो चलिए निकलते अभी हम यहाँ से।